ओके, एक्सरसाइज 2.2 देख लिया। इजी एक्सरसाइज है, हमें एक सेट दे रखा है एज के एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 14 तक, और हमें रिलेशन डिफाइन करना है ए से ए के ऊपर। दैट मीन्स ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो रिलेशन, और वो डिफाइन कैसे है, 3x-y = 0। 3x-y = 0 इसका मतलब 3x = y, और एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन इन रेंज। तो ए से आ रहे हैं, ठीक है, एक्स और वाई दोनों ए से आ रहे हैं, तो y = 3x। अब एलिमेंट लेते हैं, अगर एक्स लिया 1 तो वाई क्या आ जाएगा, वाई तो 3 आ जाएगा। एक्स लिया 2 तो वाई क्या आ जाएगा, 6। एक्स लिया 3 तो वाई क्या आ जाएगा, 9। एक्स लिया 4 तो वाई क्या आ जाएगा, 12। अगर एक्स लेंगे वाई तो y = 15 आ जाएगा। 15 तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसे हम नहीं लेंगे। तो वील टेक दीज पेयर्स, अभी पेयर ले लिया हमने, तो हमारे पास ये डोमेन आ गया, ये रेंज आ गया, ठीक है। और कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन तो पूरा सेट हो गया ए, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, रेंज तो ये आ गया, ये टोटल रिलेशन आ गया। अल्टीमेटली जिस रिलेशन के अंदर 4 ऑर्डर पेयर्स हैं, तो डोमेन ऑफ द रिलेशन रेंज निकाल लिया, और कोडोमेन क्या होता है, पूरा सेट हो गया हमारे पास, ये सेट ए जिसमें से हमने रेंज को डिराइव किया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन दे दिया, डिफाइन अ रिलेशन ऑन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, y = x+5। तो बट कंडीशन दे दी यहाँ पे कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर <4। तो पहले एक्स को ही देख लेते हैं, तो अगर एक्स इज अ नेचुरल नंबर <4, तो ये तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। तो पहले तो हमने यहाँ पे लिख लिया डोमेन। अब वाई का वैल्यू क्या है, x+5 है, तो वाई को जनरेट करा दिया करस्पॉन्डिंग। अगर ये x = 1 है तो वाई की वैल्यू 6, x = 2 है तो वाई की वैल्यू 7, x = 3 है तो वाई की वैल्यू 8। यहाँ से मालूम चल गया कि हमें इस रिलेशन का डोमेन क्या है, 1, 2, 3, और इसका रेंज क्या है, 6, 7 और 8। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन हो गया। ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब एलिमेंट्स लिखने हैं हमको, एलिमेंट्स लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया, एक सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 5, सेट बी दिया हुआ है 4, 6, 9, और हमसे पूछा है एक रिलेशन की द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, ये रिलेशन डिफाइंड है। तो जब एक्स और वाई के बीच में ऑड होगा, तो इसका मतलब ये हुआ जो रिजल्ट आएगा x-y का ऑड, तो वो ऑड तभी आ सकता है जब एक वैल्यू तो इवन हो और दूसरी वैल्यू ऑड हो। इवन और ऑड के जो बीच में डिफरेंस आता है वो तो ऑड आता है। ये ध्यान रखते हुए हमने फटाफट लिख दिया आंसर। तो रिलेशन के हमने पहले तो यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने पहले लिख दिया इधर, पहले चेक कर लेते हैं। पहले हमने ले लिया 1, एक्स का वैल्यू ले लिया 1। अब 1 के साथ हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो हम यहाँ से बी से वैल्यूज को उठाएंगे, तो 1 के साथ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो क्या है, ऑड, तो इवन नंबर ले लिए, तो 1 के साथ 4 भी आएगा, 1 के साथ 6 भी आएगा, कहानी खत्म हो गई इधर। अब 2 को ले लिया, 2 के साथ तो ऑड आएगा, तो 2 के साथ 9 आ गया है, यहाँ से ये भी हो गया। 3 के साथ क्या आएगा, इवन नंबर्स आएंगे 4 और 6, तो 3 के साथ 4 और 6 आ गया। फिर 5 के साथ क्या आएगा, 5 तो ऑड है, तो इसके साथ इवन आ जाएंगे, 4 और 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन उन्होंने दिखा रखा है, एक रिलेशन दिखा रखा है मैपिंग डायग्राम। अब ये एलिमेंट है 5, ये है 3, तो हमें यहाँ पे शो करना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो हमें दिखाई दे रहा है जो y है, y = x-2 है, भाई 5-3 = 2, राइट। तो y आ गया 3, तो 5 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो दोनों एलिमेंट्स आ गए। तो वो रिलेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, वो हमसे पूछ रहा है कौन सा रिलेशन है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हमने लिख दिया कि जो रिलेशन आएगा वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा एक्स वाई। एक्स कहाँ से आएगा, सेट पी से आएगा। वाई कहाँ से आएगा, सेट आर से, ये क्यू से आएगा, सॉरी, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, वाई क्यू से आ जाएगा। और वाई का वैल्यू क्या आएगा, x-2 आएगा। तो सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दी। फिर वो पूछ रहा है कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। चलिए रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए इसको। रोस्टर फॉर्म में 5 का पेयर 3 के साथ, 6 का पेयर 4 के साथ, 7 का पेयर 5 के साथ, ये दिखाई दे रहा है हमको। अब वो पूछता है हमसे डोमेन और रेंज निकालिए। डोमेन क्या हो गया 5, 6, 7 रिलेशन का, रेंज क्या हो गया 3, 4, 5।
तो ये इधर लिख दिया डोमेन ऑरेंज। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। तो ए लिख दिया हमने यहाँ पे 1 2 3 4 6, और रिलेशन क्या है, ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बी, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। इसका मतलब बी होगा वो ए से डिविजिबल हुआ, ऐसा आ जाएगा, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए में ये नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ए जो होगा ए बी को डिवाइड करेगा। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 और 9, तो बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, दैट मीन्स ए डिवाइड्स बी। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये रिलेशन हो गया ए डिवाइड बी। तो ठीक है, ए के ऊपर है ये, तो हमने रिलेशन जो आएगा वो ए क्रॉस ए से आएगा। तो पहले हमने 1 ले लिया, अब 1 किस को डिवाइड करता है, 1 2 को, अपने आप को डिवाइड करता है, 2 को डिवाइड करता है, 3 को डिवाइड करता है, 4 को डिवाइड करता है, 6 को डिवाइड करता है। तो यहाँ तक एलिमेंट्स आ गए। अब एक्स ले लिया 2, 2 किसको डिवाइड करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, ये एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए। 3 किसको डिवाइड करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, और 3 6 को डिवाइड करेगा। 4 किसको डिवाइड करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, सॉरी 6 को नहीं करेगा, 4 अपने आप को ही डिवाइड करेगा, और 6 किसको डिवाइड करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया इधर। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन आर डिफाइंड बाय रिलेशन एक्स कॉमा एक्स प्लस 5। तो ठीक है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ 0 1 2 3 4 5, तो एक्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन हो गया अगर एक्स इज 0 0 1 2 3 4 5, पहले यहाँ पे हमने एक्स लिख लिया, सब में 5 5 ऐड कर दिया, तो हमने यहाँ पे जनरेट कर दिया 5 6 7 8 9 10। डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या हो गया, अब डोमेन जो ये एलिमेंट्स आ गए, डोमेन तो पूरा सेट एक्स हो गया, तो 0 1 2 3 4 5 आ गए। और रेंज क्या आ गया, रेंज आ गया 5 6 7 8 9 10, ये रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन 7 देख लिया, 7th क्वेश्चन में बोलता है राइट अ रिलेशन एक्स और एक्स क्यूब, ने एलिमेंट दे रखे हैं इसके, वेयर एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होगा, 1 तो प्राइम होता नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं होता है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, और 3 5 और 7 ये तीनों एलिमेंट्स आ गए। तो ये लिख लिए एलिमेंट्स यहाँ पर 2 3 5 7, इसी की हम बात कर रहे हैं, 2 3 5 7 ही तो पकड़ में आ गए हमारे एक्स। इनके करस्पॉन्डिंग वाई क्या होगा, वाई तो एक्स क्यूब दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। तो ये रिलेशन में लिख दिया, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इसको। 8th क्वेश्चन देख लिया, सेट ए दिया हुआ है एक्स वाई जेड, और सेट बी दिया हुआ है 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस ही निकालने हैं सिर्फ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिख लिया 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आइडेंटिफाई हो गए 2, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। ओके, 9th क्वेश्चन देख लिया, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी द एलिमेंट ऑफ जेड। ए बी हमारा क्या है, ए भी हमारा इंटीजर है, बी भी हमारा इंटीजर है, और ए माइनस बी इंटीजर, ऐसे डिफाइंड है ये। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो हमें पता है कि अगर एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को हम माइनस करते हैं तो डेफिनेटली इंटीजर ही आता है, ठीक है, चाहे इंटीजर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। 2 में से 2 को माइनस किया, 0 आ गया, 0 भी एक इंटीजर है। 2 में से माइनस किया -3 को, तो क्या आ गया, 5 आ गया, ये इंटीजर आ गया। -3 में ऐड कर दिया 2, तो क्या आ गया, माइनस करना है हमें, तो -3, 2 में से माइनस किया -3, तो 5 आ गया। -2 में से माइनस कर लेते हैं -3, तो -2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1, तो वो भी तो एक इंटीजर आ गया। तो रिजल्ट अल्टीमेटली इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो डोमेन आएगा वो तो इंटीजर आएगा, और रेंज ही आएगा, रेंज भी हमारा एक इंटीजर आएगा, ठीक है।